बहुत खूबसूरत है, कितना एज हुआ है? खूबसूरत फिर पुत्र उम्र नहीं पूछी दी होती, जब खूबसूरत भी कहता साथ उम्र भी पूछ दे तो सारी बातें पानी डाल दिया ना। ईद आ रहा है तो सबसे ज्यादा ईद किसको देगा? ईदी अपनी वाइफ को। ईद पर आपको बर्तन कितना धोना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं धोने पड़ते, सारे यही धोते हैं। आपका हस्बैंड धोता है? हाँ जी। भैया अस्सलाम वालेकुम साहबान कर, हाँ हमें शुएब कामरान रेसिपी के आ लोगों से जाके पूछेगा कि कौन ईद का शॉपिंगवा के बारे में भी पूछेगा, ये भी पूछेगा कि कौन ऐसा जहर लगता है जिसको गले मिलना पड़ता है और कैसा ईडी निकलवाता है। तो चलिए चल के बाटवा बाटा। हाँ कैसा है? ठीक है। हम ठीक है? हम लग तो नहीं रहा है शक्ल से ठीक है। भाई जैसे मैं ठीक हूँ वैसे अब भी नहीं हो गए। अच्छा जुगटवा मार रहा है। अच्छा ये बताओ ईद कैसा गुजरेगा और ईद पे कितना ईडी देगा कितना लेगा? अब जैसे ईद गुजरेगी वैसे आपको भी पता है और हमें भी पता है, ईद देने भी बहुत ज़्यादा होती है और आगे से मिले तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा लड़कियाँ जो है फैशन में कैसा करता है ईद पे, बकरी जैसा लगता है? बहुत ज़्यादा लगती हैं। कैसा करता है बकरी जैसा लगता है? लेकिन मेरी तो सारी पॉकेट मनी मेकअप में लगती है। फिर भी अच्छा नहीं लगता मेकअप वा करके? नहीं नहीं लगता। तो मैसेजवा करो, ये कौन है? ये मेरी बीवी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसा है आप? कैसा? नहीं भाई मीडिया की खबर का। चलो ठीक है भैया। अच्छा ये बताओ लड़की लोगन जो है ईद पे बहुत ज्यादा लशवश करता है, वो धोना तो बर्तन ही पड़ता है, कैसे? हाँ ऐसा ही है, 100% आप सही कह रहे हो बात। और ऐसा कौन सा आदमी आपके घर में आता है आप कहते हो ले आ गया है अब इसे भी मिलना पड़ेगा? हम सारे घर में जो चीज़ पकी वो कहते पहले हमें खिला दें। हाँ तो भैया खिला दो का, ईद एक ही बार आता है ना जिंदगी में, वो रोज बरोज होते हैं ना, कभी कभार आया तो फिर होता है ना। अच्छा तो लड़की लोगों को कोई मैसेजवा देना चाहें कि ईद पे ऐसा काम मत करो, कौन सा? आप लड़की लवर जो भी लवर वगैरह हैं या जिस तरह के भी हैं वो अपने हस्बैंड को कम खर्चा कराया करें, और जो लव स्टोरी की लड़कियां हैं वो भी अपने बॉयफ्रेंड वगैरह को कम खर्चा करवाया करें, क्योंकि उनके पॉकेट मनी के ऊपर सारा डिपेंड होता है और आगे से उनकी सैलरी नहीं होती, उससे ज़्यादा आपके मेकअप और किटें और छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं। मेकअप और खर्चा का बात किया, बीवी आपका उधर मुंह कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है भैया? मैं ठीक। क्या नाम है? वकास। वकास भैया ईद आ रहा है तो सबसे ज़्यादा ईद किसको देगा? ईडी अपनी वाइफ को। ईद पर आपको बर्तन कितना धोना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं धोने पड़ते, सारे यही धोते हैं। आपका हस्बैंड धोता है? हाँ जी। सारा काम हस्बैंड का करता है तो आपका घर में सोया रहता है? नहीं, मेड भी कर देती हैं लेकिन दादा यही करते हैं। पहले बताएं बने क्या हुए? पीके है, पीके पाकिस्तान में थोड़े पीके है, इंडिया वाले पीके बन। हाँ इधर बात बना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसा है? एक्सीलेंट, ठीक। बहुत खूबसूरत है, कितना एज हुआ है? खूबसूरत फिर पुत्र उम्र नहीं पूछी दी होती, जब खूबसूरत भी कहता साथ उम्र भी पूछ दे तो सारी बातें पानी डाल दिया ना। उम्र बात तुम बताएगा तो लोगन कहेगा अच्छा इतना उम्र का है फिर भी खूबसूरत है। हाँ। खूबसूरती की कोई उम्र नहीं होती, ठीक हो गया ना, डन हो गया। अच्छा ये बताओ कि ईडी जो है घर में मनाता है किधर मनाता है? मैं घर में अपनी इतनी बड़ी फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ईद पे बीवी अपना कितना खर्चा करा दिया है? काफी करा दिया। कितना? काफी करा दिया। यानी कितना? हिसाब नहीं हुआ? हिसाब नहीं है? नहीं, लाख दो लाख? नहीं इससे कम है। इससे कम है? 20,000? 30,000 हो गया। 30,000? अभी बोल रहे थे बहुत ज्यादा, अभी कहता 30,000। शॉपिंग करने आए। अच्छा ये बताओ कि घर में कौन ऐसा आदमी आए आपको फीलिंग आता है ऐसा कि कौन आ गया है, ओह इसको भी गले मिलना पड़ेगा साला आ गया? कौन है? होता है रिश्तेदारों में एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है बहुत डैश डैश होता है। कौन है वो? बस है, दो है। दो दो, दो है। अभी एक बोले अभी दो नहीं, दो हमारे पास दो है ऐसे। अच्छा। मिलना पड़ेगा यार। कैसा है? बहुत ठीक। अच्छे आप बताएं। बहुत खूबसूरत है, कौन सा क्रीम में लगाता है? ये तो नहीं बताएंगे। ये तो नहीं बताऊंगी। अच्छा सभी कहता है फैजा ब्यूटी क्रीम लगाता है जो भैंस को भी गोरा कर देता है। नहीं मैं वो नहीं लगाता। अच्छा घर में कौन ऐसा बंदा आता है कि आपको कहते हो ओह ये भी आ गया है डाइश इससे मिलना पड़ेगा? बहुत सारे मुझे मेहमान वैसे ही जहर लगते हैं और सारे रिश्तेदार जब आ जाते हैं तो यही कहना पड़ता है। ईद पे जो है कौन सा ऐसा आदमी घर में आता है तुम बोलता हो ओह आ गया है इसको भी मिलना पड़ेगा? ऐसा तो कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। जो भी आता है उसको कहता आ जाओ।
आ जाओ सब भी आ जाओ। हाँ ये बताओ कि लड़की लोगों के बारे में क्या ख्याल है, वो बहुत बकरी वाला मेकअप वा करके ईट पे घूम रहा होता ऐसा ऐसा एकदम बकवास, सब ऐसे ही लग रहे हैं जैसे यार मेकअप की दुकान है सारा, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा देख के। बंदा यहाँ पर आते कुछ अच्छा माल देंगे, यहाँ पर तो सारी मेकअप की दुकान ही भरी हुई है यार, क्योंकि चाहे अपने नेचुरल ब्यूटी निखार रहे, ये नहीं कि बाहर से आके मेकअप लगा के पॉलिश करके ऐसा लगता है जूते चमका रहे हो यार, मजा ही नहीं आ रहा है। भैया हम सबसे बाटवा किए हैं, कौन और जवाब देता कौन और जवाब देता है। भैया हमारा ऐसा वीडियो देखने के लिए हमका लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम आपसे मुलाकात करेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमका इसक्राइब करो। जा रहा है अल्लाह हाफिज़।